नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। साल 2012 में निर्भया गैंगरेप मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज चारों दोषियों को डेथ वारंट जारी कर दिया है। इन चारों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों दोषियों से बात की। जेएनयू में हुई हिंसा की जांच करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की एक टीम आज कैंपस पहुंची। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ आज कैंपस पहुंचे। जेएनयू छात्रावास में हुई हिंसा में छात्र संघ अध्यक्ष समेत 34 स्टूडेंट्स घायल हुए थे। बता दें, फिजिक्स विभाग की टीम हिंसा के लिए प्रयोग हुए पत्थर और रॉड को कलेक्ट करने की कोशिश करेगी। हिंसा में अगर किसी तरह के रसायन का प्रयोग हुआ है तो केमिस्ट्री विभाग इसकी जाँच करेगा और डीएनए सैंपल सहित दूसरे साक्ष्यों की जाँच बायोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ करेंगे। जेएनयू में हुई मारपीट पर आज वाइस चांसलर जगदेश कुमार का बयान आया है। वीसी ने नकाबपोशों के हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और छात्रों से नई शुरुआत करने को कहा। उन्होंने कहा कि मैं छात्रों से अपील करता हूं कि वो बीती बातों को भूलकर सभी कैंपस में वापस आ जाएं। उन्होंने कहा कि मैं छात्रों से कहना चाहता हूं कि कैंपस सभी छात्रों के लिए सुरक्षित है, सभी वापस आ जाएं। बता दें, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पर आरोप है कि उन्होंने नकाबपोशों से छात्रों को बचाने के लिए उचित कदम नहीं उठाए। जेएनयू में हुई हिंसा का विवाद अब गुजरात तक पहुंच गया है। मंगलवार को अहमदाबाद में एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों ही तरफ से जमकर पत्थर लाठी चलाए गए। वहीं एनएसयूआई के कार्यकर्ता निखिल सवानी को चाकू मारे जाने की शर्मनाक घटना सामने आई है। एनएसयूआई ने चाकू मारने का आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयुषी घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आयुषी के अलावा 19 अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने 4 जनवरी को जेएनयू के सर्वर रूम में तोड़फोड़ की। यह एफआईआर 5 जनवरी को दर्ज की गई है। बता दें, 5 जनवरी को ही रात को जेएनयू में नकाबपोश घुसे थे और उन्होंने 3 घंटे तक कहर मचाया था। नकाबपोशों ने आयुषी पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गई थी। जेएनयू परिसर में नकाबपोशों द्वारा 3 घंटे तक तांडव करते रहने के बावजूद पुलिस के वहां नहीं जाने के पीछे का सच अब खुलकर सामने आ गया है। जेएनयू प्रशासन का कहना है कि उसने 4:30 बजे ही पुलिस को परिसर में आने और संभावित हिंसा रोकने के लिए कहा था। अब पुलिस भी यह मान रही है कि उसे परिसर के अंदर दाखिल होने की अनुमति 7:45 पर मिली थी, लेकिन गुंडे तकरीबन 10 बजे तक एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में घुसकर छात्र छात्राओं और शिक्षकों को पीटते रहे। इससे ये साफ है कि खुद विश्वविद्यालय प्रशासन से अंदर आने के लिए कहने के 5 घंटे बाद और औपचारिक अनुमति मिलने के 2 घंटे बाद वह परिसर में दाखिल हुई। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत बैनर्जी ने जेएनयू परिसर में हुए हमले पर बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए इसे नास्तीवाद की गूंज करार दिया है। उन्होंने कहा कि हर उस आदमी को इस पर चिंतित होना चाहिए जो विदेश में देश की छवि के बारे में सोचता है। उन्होंने कहा कि जेएनयू हमले में उन दिनों की गूंज सुनाई देती है जब जर्मनी हिटलर के नास्तीवाद की ओर बढ़ रहा था। जेएनयू छात्रों पर हमले पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि बीजेपी नागरिकता कानून पर हिंदू मुस्लिम दंगे होते देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और नागरिकता कानून के मुद्दे पर भाजपा अलग थलग पड़ गई, इसलिए अब कई चीजें बदले की भावना से हो रही हैं। शिवसेना ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह जो चाहते थे वह हो रहा है। जेएनयू में हुई हिंसा के बाद पीएम मोदी की चुप्पी पर सीपीआईएम ने सवाल उठाए हैं। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर कहा है, एक प्रधानमंत्री अपने आवास से कुछ किलोमीटर दूर पर ही हुई बच्चों की बेरहमी से पिटाई पर कुछ नहीं बोलता है, ये दिखाता है कि या तो उनकी मिलीभगत है और नहीं तो पीएम सक्षम नहीं है। पीएम मोदी की चुप्पी बहुत कुछ बोलती है। 8 जनवरी को 10 ट्रेड यूनियन की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है। 6 बैंक यूनियन ने भी हड़ताल का समर्थन किया है, जिसके कारण बैंकिंग कामकाज पर असर होगा। बैंक बंद रहने का असर एटीएम पर भी होगा और 8-9 जनवरी को एटीएम में कैश की किल्लत हो सकती है। ट्रेड यूनियंस की तरफ से संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस हड़ताल में करीब 25 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद से तेहरान और वॉशिंगटन में संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। अब ईरान की संसद ने अमेरिकी फौज को आतंकी घोषित कर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने मंगलवार को मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी फौज को आतंकी का दर्जा देने वाले एक बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। रॉयटर्स एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह पास हुए इस बिल में अमेरिकी सरकार को आतंकवाद का समर्थक करार दिया गया है। अमेरिकी हमले में मारे गए ईरान के ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को आखिरी विदाई देने के लिए मंगलवार को उनके गृह नगर करमान की सड़कों पर लाखों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा।
इस दौरान मची भगदड़ में कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई, जबकि 48 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुलेमानी के जनाजे के जुलूस में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद टीम इंडिया आज इंदौर में दूसरा T20 मैच खेलेगी। यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। बता दें, होलकर स्टेडियम में भारतीय टीम ने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।